एवरीवन, इट्स विलफुल लामा हियर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पीवीपी में बेटर बन सकते हो एंड हाउ सीपीएस इफेक्ट्स पीवीपी। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा सीपीएस, हाउ सीपीएस इफेक्ट्स पीवीपी। तो आपको सबको पता ही होगा कि सीपीएस होता है अपना क्लिक्स पर सेकंड। अगर किसी को नहीं पता तो बता दूँ, क्लिक्स पर सेकंड मतलब आप कितने ज़्यादा तेज़ अपने माउस को क्लिक करते हो। तो ये ज़्यादातर माइनक्राफ्ट पर मैटर करता है। इसके बहुत ज़्यादा क्लिकिंग मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि जिटर क्लिक, बटरफ्लाई क्लिक, ड्रैग क्लिक। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो वो अगर आपको सीखना है तो देख सकते हो। तो ये होते हैं कुछ मेथड्स। तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट होने होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं वैसे, क्योंकि सीपीएस से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है पीवीपी का। जितना तेज़ आप क्लिक करोगे उतना ही ज़्यादा आप कॉम्बो कर पाओगे दूसरे बंदे को। अगर वो आपसे मतलब कम क्लिक करे, जैसे कि उसके 6 सीपीएस है एंड मेरे 7 सीपीएस है, तो आई कैन विन द बैटल फ्रॉम हिम। तो ये तो सीपीएस का था। अभी कि आप कॉम्बो कैसे कर सकते हो, किसी को कॉम्बो करना है तो बेस्ट तरीका होता है कि आप डब्ल्यू को डबल वाई क्लिक करो, क्योंकि आप स्प्रिंट करके जब क्लिक करते हो तब नॉकबैक ज़्यादा पड़ता है, एंड नॉकबैक ज़्यादा बढ़ता है मतलब कि आपको चांसेस होते हैं कि आप कॉम्बो नहीं हो सकते हो, सिर्फ आपको कॉम्बो उसको कर सकते हो। नॉकबैक पड़ने से आप उसको कॉम्बो इजीली कर सकते हो। तो अगर आपको नॉकबैक करवाना है तो आपको डब्ल्यू क्लिक करके रखना होगा, जैसे मतलब उसको टैप बार बार कर ही जाना है एंड आगे बढ़ते बढ़ते उसको मारना है अपने ओपोनेंट प्लेयर को। तो ये होता है मतलब बेसिक मेथड होता है, एंड उनमें मतलब 3-4 मेथड आ जाते हैं। ये वैसे बेस्ट मेथड है, इस पर आप पक्का रिजल्ट्स आपको देखेंगे एंड आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। सो इससे बेसिकली ये होता है कि आप ज़्यादा नॉकबैक देख पाते हो एंड आपको कॉम्बो ज़्यादा पड़ते हैं। अभी डब्ल्यू टैपिंग एक मेथड है। एक होता है कि आप बीच बीच में अपने स्वॉर्ड को अगर 1.18 पर खेलते हो, 1.8, 1.8.9 या फिर 1.8, तो इस पर आपकी स्वॉर्ड कैसे शील्ड बन जाती है। तो आप ब्लॉक करके फिर हिट कर रहे हो, फिर से ब्लॉक करो एक बार में, फिर से हिट करो। ज़्यादातर सभी यही यूज़ करते हैं, पर आप डब्ल्यू टैपिंग भी यूज़ कर सकते हो, ये भी इफेक्टिव मेथड है। तो एंड इसके साथ होता है एक शिफ्ट भी कर सकते हो आप, या फिर पीछे एस दबाओ, डब्ल्यू एंड एस दबाओ। तो ये बहुत सारे मेथड होते हैं इसके, एंड इससे आप पक्का बेटर बन सकते हो पीवीपी में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्योंकि सीपीएस से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है पीवीपी का, जितना तेज़ आप क्लिक करोगे